वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और आपके सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। सवाल के साथ साथ आप हमें बताइएगा कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। हम आपको उस टॉपिक पर जानकारी समय पर देने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं गर्मियों में सनस्क्रीन लगाने के बारे में। गर्मियों में त्वचा की देखभाल के लिए एक सलाह हमेशा दी जाती है कि बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन जरूर लगाएं। जिन लोगों की त्वचा सेंसिटिव होती है उनकी त्वचा पर धूप में निकलने से लाल रैशेस पड़ने लगते हैं और त्वचा झुलसने लगती है। लेकिन आज हम ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं जिससे आप बेपरवाह बिना सनस्क्रीन के बाहर भी निकल सकती हैं और आपकी त्वचा पर ना रैशेस होंगे ना टैनिंग होगी। त्वचा को हर मौसम में स्वस्थ और दमकते बनाए रखने में ब्यूटी प्रोडक्ट से ज्यादा हेल्दी डाइट जरूरी होती है। त्वचा को लंबे समय तक जवान रखने के लिए प्रोटीन और विटामिन सी बहुत जरूरी होते हैं। इससे त्वचा की बाहरी लेयर सुरक्षित रहती है। इसी के लिए आप डाइट में शामिल करें कुछ खास चीजें, जैसे कि फलियों में जिंक और हाइड्रोलिक एसिड पाया जाता है। ये दोनों त्वचा में कोलेजन के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। इनके सेवन से त्वचा पर झुर्रियां नहीं पड़ती। गाजर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके सेवन से किलमुवाजों की समस्या दूर होती है। साथ ही त्वचा में ब्लड फ्लो बेहतर तरीके से होता है। दमकती त्वचा के लिए डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड जरूर शामिल करें। इसके लिए मछली का सेवन करना चाहिए क्योंकि मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके सेवन से त्वचा खराब होने से बच जाती है। तो इन सब बातों का ध्यान अगर आप रखते हैं तो आपको कभी भी धूप में जाने से पहले सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल तो आप इस डाइट को जरूर फॉलो करें। इसके 100% फायदे आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह के स्किन केयर टिप्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल स्पीडी।